हाय, आई एम किरण शापुरी एंड ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड न्यू बिगनिंग्स। और देखिए, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी लेवल पे किसी तरीके की नई शुरुआत होने की या फिर चाहने की बात करता है। और देखिए, न्यू बिगनिंग्स के ऊपर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कोई बहुत मेजर नई बिगनिंग होती हुई नहीं दिख रही है। और मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड ये नई बिगनिंग ज्यादा रहती हुई दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को अपडेट करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नई टीम है, नया प्रोजेक्ट है। और देखिए, फिर से मैं कहूंगी कि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ये पेज का कार्ड है तो बहुत मेजर अगेन नई बिगनिंग रहती हुई नहीं दिख रही है। और ओवरऑल के लिए बहुत एक प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से आप चीजों को डील कर रहे हैं। बहुत एक डिवोशन, बहुत एक डेडिकेशन भी अपने वर्क, अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है। और किसी न्यूज, किसी ईमेल, किसी मैसेज का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी इस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और उसी वजह से या फिर इन जनरल भी मनी पैसे, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों से रिलेटेड एक गेन, एक फायदा भी छोटा मोटा या किसी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सन फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए सिक्स ऑफ वॉन्ट्स एंड पैशन इग्नाइटेड के कार्ड्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही वॉन्ट्स के कार्ड्स हैं तो बहुत जबरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स स्पेसिफिकली यू नो आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहे हैं। और देखिए, पैशन इग्नाइटेड का कार्ड भी कहीं नई बिगनिंग की बात करता है, तो डीपर लेवल के लिए या फिर अदरवाइज भी दोनों ही फ्रंट्स में अगेन मैं कहूंगी किसी लेवल पे किसी तरीके की या तो नई बिगनिंग हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में कहीं है नई बिगनिंग, फिर से मैं कहूंगी मनी पैसे, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीजों से रिलेटेड रहती हुई दिख रही है। और एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे लाती हुई दिख रही है। और पर्सनल फ्रंट में ये नई बिगनिंग कहीं एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट लाती हुई दिख रही है। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज पे अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उसका एक पॉजिटिव आउटकम, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस वीक मिल सकता है। और देखिए, वैसे भी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सक्सेस का कार्ड होता है, विक्ट्री का कार्ड होता है। और कुछ ऐसा भी स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रह रहा है, जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से भी काफी एक अप्रिसिएशन, काफी एक रिकग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी चीज की वजह से या फिर अदरवाइज भी आप लाइमलाइट में रह रहे हैं। और देखिए, जब भी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है तो हम कहते हैं थोड़ा सा पॉज करके अपनी चेकिंग कर लें कि जो भी सक्सेस आपको मिल रहा है, जो भी विक्ट्री आपको मिल रही है, उसकी वजह से कहीं आप थोड़े से एरोगेंट तो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम एरोगेंट हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, तब कहीं अपने गोल, अपने मकसद से हम दूर हो जाते हैं, हम थोड़े से डिविएट हो जाते हैं। तो देखिए, इस चीज का आप ख्याल रखें। अदरवाइज देखिए, दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज मुझे ठीक ठाक या फिर अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड
गाइडेंस से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी विश है किसी भी लाइफ के एरिया से रिलेटेड, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना 100% दें, बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ उसी चीज़ को लेकर आप एफर्ट करें, मेहनत करें, और अगर ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वैसे तो देखिए पर्सनल फ्रंट में आपको मिल ही रहा है, लेकिन कहीं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अभी आप आधे रास्ते आए हैं, अभी आपने पूरी तरीके से अपनी विश, अपनी डिज़ायर को नहीं अचीव किया है। और पूरी तरीके से अगेन मैं कहूँगी, अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप डिविएट ना हो और डेडिकेशन, डिवोशन के साथ एफर्ट, मेहनत उस डायरेक्शन में आप ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।